मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव शुरू हो गए हैं, युवाओं की क्या मांग है और युवा किस तरह से इस लोकसभा चुनाव को देखते हैं, इसके चलते हम कुछ युवाओं से बात करते हैं। भैया, लोकसभा चुनाव शुरू हो गए हैं, क्या कहना चाहोगे, किस तरह की आप लोगों की मांग है? मध्य प्रदेश में नहीं, देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, जो लगातार युवाओं को रोजगार के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में, अनन्य खेल संस्थाओं में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया है, तो मुझे लगता है कि पूर्ण रूप से बहुमत युवाओं का भारतीय जनता पार्टी की सरकार एवं नरेंद्र मोदी की सरकार के साथ रहेगी। लेकिन कई लोग ऐसा कहते हैं कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, पकौड़े तलने की बात की जा रही है, किस तरह से देखते हैं? जो लोग ये कह रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो निश्चित रूप से मोदी जी से या भारतीय जनता पार्टी से देशपूर्ण मन में उनके कहीं ना कहीं वो बात होगी, इसलिए वो बात ऐसा कह रहे हैं। अगर ऐसा होता तो आज हिंदुस्तान देश ही नहीं दुनिया में अपनी एक छाप छोड़ के जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, लगातार भारत तरक्की कर रहा है और आगे भी तरक्की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करेगा। कुछ और युवा भी हमारे साथ मौजूद है, भैया किस तरह से देखते हो, क्या मध्य प्रदेश में रोजगार और ये तमाम तरह की बातें हैं? आपने अभी मध्य प्रदेश में देखा होगा, इसके पहले हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी थे, जिन्होंने कई सारी योजनाओं का लाभ युवाओं को दिलाया, सीखो कमाओ योजना, और महिलाओं के लिए आप देख रहे कन्याओं के कन्यादान योजना, ऐसी कई योजनाओं का लाभ, रोजगार मिला युवाओं को, रोजगार युवाओं को रोजगार मिल रहा है सीखो कमाओ के माध्यम से। उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ निकाली है, सीखो और कमाओ, अपने दम पर पढ़ो लिखो, इन सब चीज़ का लाभ मिल रहा है। हमारे साथ कुछ और युवा भैया, क्या देखते हो आप लोकसभा चुनाव में, क्या आप युवाओं के लिए क्या होना चाहिए? देखिए, इस बार युवाओं को जो है लोकसभा चुनाव में जातिगत से उठ के जो काम हुआ है, जिस सरकार ने काम किया है, उस पे वोट करना चाहिए। और इसमें मुझे ये लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से 400 पार का जो इनका वादा है वो पूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस सरकार ने काम किया है और देश हित में भी काम किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चुनाव में महागठबंधन जो राहुल के नेतृत्व कांग्रेस है, वो भी कई तरह की युवाओं को रोजगार और तमाम तरह की बातें कर रही है, कितने प्रभावित हो? देखिए, बातें करना और जमीनी स्तर पर काम करने में फ़र्क होता है। हम तो 70 साल से ये देख रहे हैं, मतलब पिछले कि कई सालों से 70 साल से इनकी सरकार है, क्या किया है। अभी हम ये देखें कि देश हित में जो डंका बजाया मोदी जी ने भारत का, तो उसमें देखा जाए तो इस सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। किस तरह के काम किए, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, देश को आज टॉप 5 में विश्व में लाने में मतलब मोदी जी का हाथ है। उसके बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक है जो कि पाकिस्तान बार बार परेशान करता था, वो आज पूरी तरह से मौन हो गया है और शांत बैठ गया है। चाइना हमको परेशान करता था, तो चाइना जो है, ये तो सर इंटरनेशनल बातें हो गई, यदि रोजगार की बात करें, युवाओं की बात करें, तो उसको लेकर क्या करा है, ये कुछ बताना चाहेंगे आप? युवाओं के लिए कई सारी योजनाएं लेके आए हैं, जो कि मेरे भाई ने भी बताया था कि सीखो कमाओ योजना आई है। उसके बाद फिर स्टार्टअप्स लेके आए हैं, तो स्टार्टअप्स जो युवा हैं जो अपने स्टार्टअप लेके आ रहे हैं, उनको भी सपोर्ट किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। फिलहाल हमारे साथ कुछ और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर कई तरह की तैयारी चल रही है, भैया लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या देखते हैं आप? लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने के मूड में रहती है, सभी साथियों का युवाओं को आकर्षित करने के लिए कांग्रेस कई तरह की योजनाएं की बात कर रही है, मोदी सरकार में किस तरह से योजना युवाओं के लिए काम हुआ? सैकड़ों हजारों की तादाद में युवाओं की जो योजना है केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है, और कांग्रेस तो एक मृत शरीर के भांति जान फूंकने की नई नई योजनाओं को सिर्फ दिखा रही है, जो जब इतने वर्षों तक वो जिस योजनाओं का शुरुआत नहीं कर पाई, वे अब क्या कर पाएगी मोदी सरकार? समय पर बेरोजगारी की बात उठती है, रोजगार नहीं मिला है, बेरोजगार बढ़ रही है, साथ ही जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लगातार भटक रहे हैं, मोदी जी बोलते हैं पकड़ो तो लोग, किस तरह से? मोदी जी ने ऐसा नहीं बोला है, मगर हाँ ये ज़रूर है कि जिस प्रकार से साक्षरता बढ़ी है, बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस आई है शिक्षा के प्रति, उस हिसाब से अन्य क्षेत्रों में जैसे हम देखते हैं कि आईटी और अन्य क्षेत्रों में बहुत सारे काम के जो विस्तार हुआ है वे नीचे के दूसरे स्तर पे भी चालू होगा। हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद है, भैया क्या देखते हो आप मोदी सरकार लोकसभा चुनाव? अब की बार 400 पार, क्या कारण है, किस तरह से होगा 400 पार? बिल्कुल होगा, केंद्र की जन कल्याण योजना है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी के नेतृत्व में, लेकिन साथ ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार देश प्रगति कर रहा है, उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है। तो इस बार रोजगार के मुद्दे पर कांग्रेस, रोजगार के मुद्दे की यदि आप बात करें तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वकर्मा योजना का लगातार लाभ लोगों तक पहुँच रहा है, लगातार युवाओं तक पहुँच रहा है, और ऐसी कई योजनाएं
सैकड़ों योजना है जो घर घर तक पहुंच रही है, युवाओं तक पहुंच रही है। मतलब कुछ और लोग भी हुए भैया, क्या कहना चाहेंगे? लोकसभा चुनाव चल रहा है, विपक्ष कई तरह की बातें कर रहा है। भैया विपक्ष सिर्फ लोगों को बरगलाने का काम करता है, विपक्ष का तो मुद्दे नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी मुद्दे लेके आई थी उन मुद्दों के ऊपर कुछ ना कुछ बरगलाने की बातें करता है। अगर भारतीय जनता पार्टी 1000 रुपये की बात करती है कि मातृशक्तियों को 1000 रुपये देंगे तो हम 1500 देंगे, वो बोलते हैं 1500 देंगे तो हम बोलते हैं 1,00,000 देंगे। कांग्रेस सिर्फ मुद्दों को भटकाने का कार्य करता है, लोगों को सिर्फ बरगलाने का काम करता है। 15 महीने मध्य प्रदेश में जो सरकार रही उसका हवाला दिया जाता है कि युवाओं के लिए काफ़ी रोजगार दिया। कुछ नहीं, आप उस पर तथ्य देखें तो तथ्य के हिसाब से कुछ भी नहीं किया हमने। फिलहाल हमारे साथ ये कुछ युवा थे जिनका कहना था कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार होगा। इंदौर से TV9 भारतवर्ष के लिए संदीप मिश्रा।